बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में भारतीय आयकर विभाग की तलाशी जारी है। इनकम टैक्स के अधिकारी अब भी बीबीसी के नई दिल्ली और मुंबई दफ्तर में मौजूद हैं। बीबीसी प्रेस ऑफिस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, हम अपने कर्मचारियों की मदद कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो जाएगी, हमारा आउटपुट और पत्रकारिता से जुड़ा काम सामान्य दिनों की तरह चलता रहेगा, हम अपने ऑडियंस को सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस मामले में राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कांग्रेस ने जहां इसे अघोषित आपातकाल कहा है, वहीं बीजेपी ने कहा है कि कोई भी संस्था कानून से ऊपर नहीं है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है, ये निराशा का धुआं है और ये दर्शाता है कि मोदी सरकार आलोचना से डरती है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बीबीसी को दुनिया की सबसे भ्रष्ट संस्था बताया। गौरव भाटिया ने ये भी कहा कि ये तलाशी कानून के दायरे में है और इसकी टाइमिंग का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इस तलाशी पर चिंता जाहिर की है। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने अधिकारियों पर बीबीसी को डराने का आरोप लगाया। मीडिया कर्मियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भी इस कार्रवाई की निंदा की है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस घटना से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस घटना पर लिखा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकारी एजेंसियों ने अक्सर ही स्वतंत्र मीडिया संस्थानों, मानवाधिकार संगठनों और थिंक टैंकों पर छापे मारे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सरकार की ओर से उनके फंडिंग स्रोतों को निशाना बनाने को आलोचनात्मक आवाजों को दबाने की कोशिशों के रूप में देखते हैं। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने इस घटना पर एक विस्तृत विश्लेषण प्रकाशित किया है। इसमें लिखा गया है, आयकर विभाग के अधिकारियों के बीबीसी के मुंबई और दिल्ली स्थित दफ्तरों पर पहुंचने से दुनिया भर का ध्यान भारत में प्रेस स्वतंत्रता के खराब हालात पर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे सर्वे कहा है, जो कि टैक्स रेट को व्यक्त करने का ही एक अलग ढंग है। इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी इस घटना से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, जिसमें लिखा गया है कि बीबीसी के दिल्ली स्थित दफ्तर में काम करने वाले एक कर्मचारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया है कि टैक्स अधिकारियों ने उन्हें मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से रोक दिया था। वहीं आयकर विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि उनके विभाग ने टैक्स से जुड़े दस्तावेजों को वेरीफाई करने के लिए सर्वे अभियान चलाया है और उन्होंने इससे अधिक जानकारी नहीं दी है। जर्मनी के प्रसारक DW ने इस घटना से जुड़ी खबर के साथ लिखा है कि भारत सरकार ने अपने सूचना प्रौद्योगिकी कानून में निहित आपातकालीन ताकतों का इस्तेमाल करते हुए इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री साझा करने वाले ट्वीट्स और वीडियो लिंक्स को ब्लॉक किया था। ब्रितानी न्यूज समूह द गार्डियन ने इस मामले में प्रकाशित खबर में बताया है कि ब्रितानी सरकार ने अब तक इस छापे पर किसी तरह की टिप्पणी देने से इनकार किया है। हालांकि विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि उन्होंने बीबीसी से इस बारे में बात की है। बीबीसी इससे पहले भी इस तरह के मामले में राजनीतिक समर्थन लेने से बचती दिखी है, क्योंकि वह ब्रितानी सत्ता से अलग संस्था के रूप में स्वयं को दिखाती रही है। वहीं भारत के भी कई बड़े मीडिया संस्थानों ने इस खबर को प्रकाशित किया है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक आयकर विभाग के एक सूत्र ने बताया है कि ये मामला TDS फॉरेन टैक्सेशन से लेकर कई मामलों से जुड़ा हो सकता है। खबर के मुताबिक केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मामले में कहा है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और आयकर विभाग सर्वे पूरा होने पर इससे जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराएगा। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के मुताबिक सरकार के अधिकारियों का कहना है कि बीबीसी के सर्वे का मकसद इस बात की जांच करना है कि अनाधिकृत लाभ के लिए कीमतों में हेरफेर किया गया या नहीं, जिसमें टैक्स में फायदा लेना भी शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीबीसी ने ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स के तहत गड़बड़ी की है, जानबूझकर और लगातार ट्रांसफर प्राइसिंग नॉर्म्स का उल्लंघन किया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने इस मामले में प्रकाशित खबर में अमेरिकी सरकार की प्रतिक्रिया छापी है। खबर के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया, हमें बीबीसी के दिल्ली दफ्तर पर आईटी विभाग के तलाशी अभियान की जानकारी है, लेकिन इस बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा जानकारी के लिए आप भारतीय अधिकारियों से संपर्क करें। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, तो इस पर उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कह सकता, हम इस तलाशी अभियान से जुड़े तथ्यों से अवगत हैं, लेकिन मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि इस मामले में कोई टिप्पणी कर सकूं।
बीबीसी ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण किया था, जिसके कुछ हफ्ते बाद नई दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों की तलाशी ली गई। हालांकि यह डॉक्यूमेंट्री भारत में प्रसारण के लिए नहीं थी, यह डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगों पर थी। उस दौरान नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस डॉक्यूमेंट्री में कई लोगों ने गुजरात दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए थे। केंद्र सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा और औपनिवेशिक मानसिकता के साथ भारत विरोधी बताते हुए भारत में इसे ऑनलाइन शेयर करने से ब्लॉक करने की कोशिश की। बीबीसी ने कहा था कि भारत सरकार को इस डॉक्यूमेंट्री पर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था, लेकिन सरकार की ओर से इस पेशकश पर कोई जवाब नहीं मिला।